झारखंड की रांची पुलिस हाईटेक फेस डिटेक्शन कैमरों से अपराधियों की पहचान करेगी। रांची पुलिस ने शहर के वैसे इलाके जहां अक्सर सांप्रदायिक तनाव के मामले सामने आते हैं या फिर वैसे इलाके जहां अपराधियों का मूवमेंट ज्यादा होता है, वहां हाई क्वालिटी का फेस डिटेक्शन कैमरा लगाने का काम शुरू कर दिया है। कई जगहों पर फेस डिटेक्शन कैमरा लगा दिया गया है, जबकि कई जगहों पर इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस पूरे सिस्टम को एक्टिव कराने की कवायद चल रही है। इससे रांची में प्रवेश करने वाला कोई भी शातिर अपराधी अब पुलिस की तीसरी आंख से नहीं बच पाएगा। रांची पुलिस के द्वारा लगाए गए फेस डिटेक्शन कैमरा सिस्टम अपराधी की पहचान करेगा। राजधानी की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने की कवायद के तहत रांची के महत्वपूर्ण स्थानों पर फेस डिटेक्शन कैमरा सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें राज्य भर के अपराधियों का प्रोफाइल और हुलिया फिट होगा। अपराधी के कैमरे की जद में आते ही कंट्रोल रूम में सिग्नल बीप बजेगी और पुलिस को शातिर अपराधी के राजधानी में आने की सूचना मिल जाएगी। इससे अपराधियों की पहचान के साथ उसे ट्रैक कर दबोचने में आसानी होगी। इन कैमरों को लगवाने की कवायद वर्ष 2020 में हुई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच काम पूरा नहीं हो सका था। अब इसे नए सिरे से व्यवस्थित किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से 50 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की खासियत इनकी फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होगी। ये वो आधुनिक तकनीकी है जो सीसीटीवी कैमरों के सामने से गुजरने वाले हर चेहरे को पहचानने की काबिलियत रखती है। इसके लिए पुलिस उन सभी वांटेड अपराधियों और संदिग्ध लोगों के चेहरे अपने मास्टर कंप्यूटर में फिट करेगी, जो सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही उन शातिरों के चेहरों को भी कंप्यूटर में फिट किया जाएगा जो अक्सर राजधानी में वारदातों को अंजाम देते पकड़े जाते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरता है, वैसे ही कंट्रोल रूम में एक विशेष तरह की सिग्नल बीप बजेगी। इसके आधार पर पुलिस को संदिग्ध को पहचानने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी रहेगी।